हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहाबुद्दीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताऊंगा भाई, एल्बो से किस तरह अटैक करेंगे ताकि दुश्मन एक ही बार में बेहोश हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसा ट्रिक बताऊंगा ताकि दुश्मन को आप एक ही बार में घायल कर पाएंगे। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको किस तरह अपना सेल्फ डिफेंस करना है, दुश्मन पर किस तरह एल्बो से अटैक करना है। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी सीख सके और अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि फाइट के दरमियान ऐसा होता है, जैसे कि फेस कवर लेके है, अगला बंदा फेस कवर लेके है और आप में सट गया, तो उस टाइम आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इस तरह से आप भी हैं फेस कवर लेकर के और आपका अपोनेंट भी है फेस कवर लेके, तो आपको उस टाइम करना क्या है, एल्बो से अगर अटैक करना हो आपको, तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है, आपको इस तरह से अटैक करना है। दोस्तों, मैं स्लो अटैक किया भाई क्योंकि चोट ना लगे, यही कारण था। तो दोस्तों, फिर से देखिए आप इसी ट्रिक को ताकि आप अच्छे से सीख सकें, घर पर ही प्रैक्टिस कर सकें और समय आने पर दुश्मन पर भी इस्तेमाल कर सकें। तो भाई, आपको करना क्या है, फाइट के दरमियान अगर अपोनेंट इस तरह सट जाए आप में, तो आपको करना क्या है, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको किस तरह से करना है। एक बार आप फिर से फास्ट देख लीजिए, इस तरह से अगर आप में सट जाए फाइट करते करते, तो आपको करना क्या है, इस तरह से, ठीक है, पूरा पावर से यहां मारना है ताकि दुश्मन एक ही बार में गिर जाए। दोस्तों, इस जगह पर अपोनेंट का वीक होता है, आपका जो अपोनेंट रहेगा भाई, आपका भी वीक रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, आप अपने से अंदाजा लगा सकते हैं, इस जगह पर ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता है, बहुत ही खतरनाक चोट लगेगा। अभी मैं इस जगह पर किक भी मारने बताऊंगा अगले वीडियो में, ताकि आप एक ही किक मार के दुश्मन को बेहोश कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं किया भी हूँ, मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था, एक ही किक में किस तरह से मेरा अपोनेंट बेहोश हुआ था। दोस्तों, ये रियल मैं करके खुद देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर आप में सट जाए इस तरह से फाइट करते करते, तो आपको करना क्या है, इस हैंड से इस तरह से सपोर्ट देना है इस पंच पर, ठीक है, इस तरह से पकड़ना है और ये फास्ट, ये तुरंत पीछे लाना है पूरा, और पूरा पावर से यहाँ मारना है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बस खाली टच कर रहा हूँ, लेकिन आपको किस तरह से मारना है, इस तरह पूरा पावर से, पूरा पावर से मारना है ताकि दुश्मन एक ही बार में गिर जाए और हॉस्पिटल चला जाए। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका अपोनेंट इस लेग को आगे ना रखकर ये वाले लेग को आगे रखे, तब क्या करेंगे। चलो प्रेम, पोजीशन, अगर ये वाला रहेगा आगे तो क्या करेंगे, और आपका ये वाला लेग पीछे की ओर रहेगा, यानी कि राइट वाला, और लेफ्ट वाला आगे रहेगा, तो क्या करेंगे आप, इस तरह है तो आपको इस साइड फिर अटैक करना है, ठीक है, इस तरह से फाइट कर रहे हैं आप, इस तरह से पूरा पावर से के पूरा पावर से यहां से मारना है, पूरा पावर से, थोड़ा आराम से नहीं मारना है भाई, पूरा पावर से मारिए। मैं आपको स्लो मार के दिखा रहा हूं भाई, ताकि चोट नहीं लगे। आपको ये नहीं समझना है कि बस आराम से इस तरह से टच करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको किस तरह मारना है मैं आपको पहले ही बता दिया, पूरा पावर से, ये आपका पीछे से आके इस तरह सपोर्ट दीजिएगा इस हैंड से, और पूरा पावर से मारिएगा। एक बार में दुश्मन नीचे गिरना चाहिए जमीन पर भाई, अगर नहीं गिरता है तो आप पार्ट वन देख लीजिए, इसका मतलब आपके एल्बो में पावर नहीं है। आप पहले अपने एल्बो को स्ट्रोंग बना लीजिए, पूरा मजबूत बना लीजिए। कैसे आपको बनाना है एल्बो को स्ट्रोंग, आई बटन पर दिया हुआ भाई, आप इस जगह पर क्लिक करके देख लीजिए उस वीडियो को। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा ट्रिक, चलिए इसी को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, एक बार दोनों को अच्छे से बताता हूं, उसके बाद मैं आपको दूसरा ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, फाइट के दरमियान अगर ये वाला लेग है आगे, तो इस तरह से आपको मारना है पूरा पावर से, अगर ये वाला आगे रहे तो आपको इस तरह से मारना है। देखिए, झुक करके, ये झुक करके, देखिए बॉडी का ये मोमेंट रहेगा, ये है,
पूरा पावर से मारना है, पूरा इस तरह से अल्लाह के इस तरह, ठीक है। अगर ये वाला लेग आगे है तो इस तरह लाना है, ठीक है। अगर आपका अपोनेंट थोड़ा दूरी पर हो, अगर उस जगह पर हो तो यहां से तो नहीं होगा, तो आप स्टेप लेकर भी मार सकते हैं। देखिए जैसे कि वहां है, ठीक है, इस तरह से आपको पैर आगे बढ़ाना है और इस तरह से मारना है। दोस्तों आपका अपोनेंट आप पर किक या पंच अटैक करने से पहले आपको अटैक करना है। अगर आपको कोहनी से मारना हो तब, यानी कि एल्बो से अगर अटैक करना हो तो आपको इसी तरह से अटैक करना है। अगर आपका अपोनेंट आपसे दूरी पर हो, थोड़ा से दूरी पर, और इस तरह से फेस कवर लेके हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस तरह से अगर मारिएगा तो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, नहीं लग पाएगा। तो इस दरमियान आपको करना क्या है, स्टेप लेके मारना है। देखिए इस तरह से है, आपको इस तरह से बढ़ाना है और मारना है पूरा पावर से, ठीक है। अगर ये वाला लेग हो आगे दुश्मन का तो करना क्या है, फिर आपको करना क्या है, इस लेग को आगे बढ़ाना है, वो मार नहीं सके, उससे पहले आप में पूरा फुर्ती होना चाहिए, आप पूरा एक्टिव रहेंगे, तब पूरा फास्ट इस तरह से आपको फाइट करना है, ठीक है, पूरा फास्ट मारना है। दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दिया आपको किस तरह से अटैक करना है। देखिए आपका जो दुश्मन होगा वो मार खाने के लिए खड़ा नहीं रहेगा कि लो भैया हमको मारो आराम से, आपका दुश्मन भी आपको मारेगा। तो मैं आपको पहले ही बता दिया, दुश्मन को अटैक करने से पहले आपको अटैक करना है, ठीक है। आपका दुश्मन अटैक ना कर दे आप पर, उससे पहले आपको अटैक कर देना है, यानी कि आपको पूरा फास्ट अटैक करना होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा ट्रिक। दोस्तों आपके लिए दूसरा ट्रिक भी सीखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नॉलेजेबल होगा ये ट्रिक। दोस्तों आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, आपको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। दोस्तों आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि किस जगह पर ये अटैक होता है। दोस्तों अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, आपको अंत तक बने रहना है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, अगर आप वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके तीनों वीडियो को देख सकते हैं, और यहां से भी आप पार्ट 1 को देख सकते हैं भाई। ये जो आई बटन पर आ रहा है लाइनिंग जैसा, एक पट्टी टाइप का आता होगा भाई, आप इस पर क्लिक करके देख लीजिए, ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं एल्बो को स्ट्रांग कैसे बनाएं। दोस्तों एल्बो को स्ट्रांग भी बनाना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, अगर आप एल्बो को पूरा स्ट्रांग बना लेंगे तो आप इस ट्रिक का पूरा पूरा फायदा उठा पाएंगे। जो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आप एक बार अटैक कीजिएगा दुश्मन पर तो दुश्मन एक ही बार में घायल हो जाएगा, तो एल्बो को स्ट्रोंग बनाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा ट्रिक। देखिए जैसे कि आप पंच का प्रैक्टिस करते हैं, तो पंच प्रैक्टिस के दरमियान आप क्या करते हैं, जैसे ही आप इस तरह से पंच करते हैं, देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 नेकल्प से पंच अटैक होता है, आप ये जान लीजिए, ठीक है, बस इसी दोनों से अटैक होता है। ये जो आप इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से देखिए, इधर से आप ठीक देख पाएंगे, इस तरह से जब इस पंच को मारिएगा तो इस तरह से पीछे लाते हैं, ठीक है, इस तरह से लाते हैं। क्यों लाते हैं ये बताइए, आप अपने एल्बो को पीछे क्यों लाते हैं? इसका कारण है जो कि बहुत ऐसे लोगों को, बहुत ऐसे क्राटिस्ट को पता नहीं होता है। इस तरह से जैसे मारते हैं तो इस तरह से खींच लेते हैं, ये वाला जब मारते हैं तो ये वाला खींच लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई फाइनल, ठीक है, क्या कारण है। देखिए जैसे कि आप जहां पर गैंग फाइट करते हैं तो वहां पर आप अगर आगे वाले को अटैक कीजिएगा, यहाँ जाओ प्रेम, ठीक है, ताकि मेरे भाई अच्छे से देख सके। देखो ऐसा होता है जैसे कि गैंग फाइट में अगर आप आगे वाले को मारेंगे इस तरह से पूरा पावर से, अगर इस तरह से मारेंगे तो पीछे भी लगेगा, आप देख पा रहे होंगे भाई। देखिए प्रेम को भी अटैक हुआ, मैं पूरा पावर से अटैक नहीं कर रहा हूँ, देखिए इस तरह भी अटैक होता है पेट के पास, ठीक है, इस है, जैसे आगे वाले को मारे तो यहां भी लगा, लगा कि नहीं, और आगे भी लगा। तो इस तरह से मारना, जब भी मारना है आपको इस तरह से मारना है, इस तरह से मारना है, मैं थोड़ा सा दूर हट जा रहा हूँ ताकि लगे ना, तुम पीछे रहो, इस तरह से, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों आपको इसी तरह से अटैक करना है,
ये बात का आपको बिल्कुल मालूम नहीं होगा दोस्तों, अगर आपको मालूम था पहले से ही तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि हमको भी लगे कि यार मेरा जो सब्सक्राइबर है यानी मेरे भाई सब जो है, ये बात पहले से उनको पता था, अगर पता नहीं भी था तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो एल्बो का इस्तेमाल आप इस टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।